अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है, क्योंकि वीडियो बनाने का मेरा मकसद जो है, अगर आप मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। अगर मेरी बात आपको बुरी लगे या मेरी बात आपको समझ में ना आए तो बेशक आपकी मर्ज़ी है, जो कमेंट्स में कहे जाना कोई मसला नहीं है। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो बेशक आप कमेंट्स में जो है ना मुझे दाद दे के जाना कि भाई आपने बहुत ही अच्छी बात की है। तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ये जब से डॉग टोकन आया है तो यहाँ पे इन्होंने एक टास्क दिया हुआ है कि ये टास्क है, आपने ये कंप्लीट करना है। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने अभी तक ये कंप्लीट नहीं किया हुआ, ये वाला टास्क है, ठीक है, ये वाला टास्क हो गया। इसमें ये होता है कि आप अपने जो आपका नाम होता है उस पर जो है ना आपने ये हड्डी जो है ना वहाँ पर ऐड करनी होती है। और आपने वो हड्डी कैसे ऐड करनी है सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हमने जो है ना हड्डी ऐड करनी है। अब हड्डी हमें चाहिए होगी, अब हड्डी हमें मिलेगी इसके टेलीग्राम का जो उसका ग्रुप है वहीं पे हमें मिल जाएगी। मगर क्या है कि मुझे इन्होंने एक दोस्त ने सेंड की हुई है, मैं कॉपी कर लेता हूँ। आपको भी वैसे ही हड्डी चाहिए होगी जो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये हड्डी मुझे एक दोस्त ने भेजी हुई है और ये हड्डी का कमाल देखें। यहाँ पर आते हैं, थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर सेटिंग में आप आते हैं। सेटिंग में आने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ, थ्री लाइन पे आप क्लिक करते हैं, उसके बाद आपका नाम शो हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरा नाम शो हो गया है, मोहम्मद नाम लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देखें, मोहम्मद के साथ अगर मैं हड्डी मिलाऊंगा तो कितना बुरा लगेगा। एक पाक नाम है, पाक नाम हड्डी कुत्ते को डाली जाती है, आपको पता होगा। एक कहावत भी आपको पता है, कुत्तों को हड्डी डाली जाती है, यानी कि यूं समझ लें कि टेलीग्राम वाले हमें हड्डियाँ डाल रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है, मगर क्या है कि हम ये वाला जो ना अगर क्लेम करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमने इसको क्लेम ना करें। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपने इसको क्लेम नहीं करना, आपने करना है। और किस तरीके से करना है, काफ़ी मैंने नाम देखे हैं अपने दोस्तों के कि यहाँ पे किसी का नाम मोहम्मद लिखा हुआ है, किसी का नाम अली लिखा हुआ है, किसी का नाम फातिमा लिखा हुआ है, वहाँ पर जो है ना उन्होंने हड्डी ऐड की हुई है। तो मैं, मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये पाक नाम है, इनके साथ आपने हड्डी कभी ऐड नहीं करनी। आपने ये अगर क्लेम करना है, इसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर आपने कुछ भी लिख देना है, ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पे आपने लिखना है और यहाँ पे आपने हड्डी पेस्ट कर देनी है और यहाँ पे आपने ओके कर देना है। ओके हो गया, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका ये वाला नाम ओके हो जाता है। उसके बाद आपने आ जाना है सामने अपने डॉग्स पे आ जाना है, ये वाला टास्क ओपन करना है। अब जैसे आप ओपन करेंगे तो देखिए मैं आपको क्लेम करके दिखाऊंगा, सही है। आपने अपना जो पाक नाम है, जो भी हमारे यानी कि किसी नबी का नाम है, किसी इमाम का नाम है, किसी पैगंबर का नाम है, जिसका भी नाम है, आपने वो नाम नहीं ऐड करना। ये देखो मैंने फेक नाम दिया, टास्क कंप्लीट किया, हो गया। अब वापसी जाना है, आपने अपना नाम जो है चेंज कर लेना है और अपना जैसे मोहम्मद हो मोहम्मद रख लेना है, अली है तो अली रख लेना है। और यहाँ पे जितने आपको 2500 मिले हैं वो आपके ख़त्म नहीं होंगे, वो वहीं के वहीं रहेंगे। तो अपने पाक नामों के साथ मेहरबानी करके ये हड्डियाँ ना मिलाएं, मुसलमानों थोड़ा ख्याल कीजिएगा, ये हमारे पाक नाम है, हम इन नामों का बड़ा एहतराम करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये बात अच्छी लगी है तो कमेंट्स में लाजमी जवाब दीजिएगा, अगर बुरी लगी है तो भी कमेंट्स कर दीजिएगा, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा हमारे उन मुसलमान भाइयों तक, ताकि नेक्स्ट टाइम इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट आए तो सोच समझ के काम करें। जजाकल्ला।